हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो है ना थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे कुछ एम्पिटी प्रोडक्ट्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि खाली प्रोडक्ट देखकर हम क्या करेंगे, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट है ना कि इनको मैंने भर भर के यूज़ किया है। और हाँ, मैं इनको डेफिनेटली रीपर्चेस भी करने वाली हूँ, ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए कि मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिनको मैंने घसीट के यूज़ किया है, मतलब घिस घिस के यूज़ कर दिया है, इतने ज़्यादा मुझे पसंद है। एंड होपफुली मैं उनको वापस से भी लेने वाली हूँ, वो इतने ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा था कि इस पर वीडियो बनाते हुए इस टॉपिक पर, तो मैंने भी कुछ टाइम से ना ऐसे कुछ खाली प्रोडक्ट्स, जनरली ना मैं प्रोडक्ट्स जितने खाली होते हैं ना मैं उनको फेंक देती हूँ, ठीक है, बॉक्स वगैरह जो भी होता है उनका मैं फेंक देती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना, तो मैंने भी सोचा कि यार मुझे भी एम्पिटी प्रोडक्ट्स आप लोग के साथ शेयर करने हैं, तो बहुत संभाल के मैंने सारे प्रोडक्ट्स को रखा है। एंड कुछ कुछ तो ऐसे है ना जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, मतलब एक दो बार मैं अगर यूज़ करूँगी तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उनको भी रखा हुआ है, क्योंकि वो भी खत्म होने वाले, तो मुझे रिपर्चेस तो करना ही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैं उनको इकट्ठा कर रही थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो फाइनली वो टाइम आ गया है एंड मेरे पास प्रोडक्ट इकट्ठा हो चुके हैं एंड मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ये ब्यूटीफुल सा फेस आपको हमेशा नोटिफिकेशन पर दिखाई दे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट्स को मैंने एक बास्केट में रख लिया है, आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं, इतने गंदे दिख रहे होंगे ना आपको ये प्रोडक्ट्स कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना मैंने इसको यूज़ करके रखा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ वन बाय वन कि क्या और कैसे है। सबसे पहला जो मुझे दिलो जान से प्यारा है, मतलब मैं उसका चौथा डिब्बा यूज़ कर रही हूँ अभी, तो वो मैं आपको दिखाने वाली। खैर ये तो भरा हुआ है, इसके भी दो डिब्बे थे वो मैंने खाली हो चुके, तो मैंने फेंक दिया, तो यही मैंने रखा है। तो ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं ना इससे सच में इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ना कि मैं इसको मैं दिन भर यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा है, मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। और मेरी स्किन पे ये इतना अच्छा वर्क करता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा सा ग्लो देता है। और इसका टेक्सचर, ओ माय गॉड, एकदम वाटरी सा टेक्सचर है, आपको ना बिल्कुल भी स्टिकी वाली फीलिंग नहीं आएगी और इंस्टेंट आपकी स्किन में ना एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिनकी स्किन ऑयली है ना, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैंने पहले भी मेरे वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको, बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। तो सबसे पहला मेरा ये प्रोडक्ट है एंड सेकेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये PAC का फाउंडेशन, और काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं ना एक्सपायर प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अपनी स्किन पे, नॉट क्लाइंट की स्किन पे, उन पे हमेशा मैं फ्रेश प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म नहीं हुए हैं और मेरी स्किन को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि चीज़ों को वेस्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि भले अगर मैं, जब तक वो मेरी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाते ना, तब तक मैं उनको यूज़ करती रहती हूँ। तो और अभी तक होपफुली ये मेरे को नुकसान नहीं पहुँचा है। और इसका जो कवरेज है ना, ओ माई गॉड, ब्राइडल के लिए बेस्ट वाला प्रोडक्ट है ये फाउंडेशन है ना, तो आपको अराउंड 850 का मिलेगा। और अभी पता नहीं, मैंने 2 साल पहले लिया था तो 850 जैसा कुछ था, अभी आई थिंक इसकी प्राइस कम हो गई हो, मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो फाउंडेशन है ना, क्या कवरेज देता है यार, मतलब एकदम मैट फिनिश देता है और एकदम स्मूथ हो जाती है आपकी स्किन, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। तो ये सेकंड है जो ऑलमोस्ट मेरा, मैंने इसमें 2 शेड लिया था, एक थोड़ा डार्क था और एक लाइट था, मतलब मैं उसको मिक्स मैच करके शेड बनाती थी और उसको अप्लाई करती थी। अब इनमें से शायद ये लाइट वाला शेड मेरा खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, और होपफुली मैं इसको बहुत जल्द रीपर्चेस करने वाली हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये है PAC का फाउंडेशन, और इसका जो शेड नंबर है शायद, यस, 4.5 इसका शेड नंबर है। सो थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा है ये गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओ माय गॉड, खत्म हो गया यार, अब मैं इसको सोच रही हूँ कि रीपर्चेस करूँ, बहुत जल्द मैं इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसको अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में डेफिनेटली यूज़ करती हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, इतना प्यारा सा ग्लो आ जाता है ना आपके फेस पे कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब भी मैं इसको मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ तो इतना फ्रेश फील होता है और इतना अच्छा सा ग्लो करता है ना मेरा फेस कि मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ये प्रोडक्ट से, एंड डेफिनेटली मैं इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये कुछ इस तरह का, मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले सारे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इसको दिखाया भी है, तो उससे ही आप पता लगा लो कि मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो थर्ड ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा फोर्थ प्रोडक्ट है मेरा ये मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट सनस्क्रीन जेल, ये वाला, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मैं जब भी नाइट में अपनी स्किन केयर रूटीन में ना, ऐसा नहीं सोचती कि सनस्क्रीन है ना कि आपको कभी भी बाहर जाना है तो ही अप्लाई करना है। मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी इसको नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज़ करती थी, मतलब रात के टाइम पर जब भी मैं अपनी स्किन केयर करती थी तो मैं इसको ज़रूर लगाती थी, सनस्क्रीन ज़रूर लगाती थी। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि बाहर जाओ तो ही आप सनस्क्रीन अप्लाई करो, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है ना कि आप घर में भी हो ना तो भी सनस्क्रीन अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना कि मैं अपनी इसको नाइट स्किन केयर में भी यूज़ करती थी और मॉर्निंग में भी यूज़ करती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। सो ये
विटामिन सी एंड टर्मरिक बहुत अच्छा सा ग्लो देता है और हल्का सा आपके फेस पे ना शाइन वाला, इसमें से गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं जो आपके फेस पे बहुत प्यारा सा शाइन प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड डेफिनेटली मैं बहुत जल्द इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है अगैन गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। सो ये है गुड वाइब्स का लवेंडर सूदिंग टोनर। अगैन ये टोनर मुझे काफ़ी ज़्यादा, देखो आप कितना गंदा हो चुका है, मैंने इसको इतने दिनों से इसको रखा हुआ है ना कि ये इस पर धूल वगैरह जम गई है। तो ये गुड वाइब्स का लेवेंडर सूदिंग टोनर, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसकी फ्रेग्रेंस ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत प्यारा सा वर्क करता है आपकी स्किन पे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये था गुड वाइब्स का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड डेफिनेटली मैं बहुत जल्द इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा है वो है ये दो कंसीलर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर जो आप देख सकते हो कि ख़त्म हो ही चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला, एक दो बार अगर यूज़ किया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और अब जाके ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ना कंसीलर की बात करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे कंसीलर पड़े हैं तो मैं चेंज कर करके उसको यूज़ करती हूँ, इसलिए इतनी जल्दी मेरे प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होते। बट फाइनली अब ये ख़त्म होने वाला है एंड ये कवरेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं डेफिनेटली इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है जो रीपर्चेस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, अफोर्डेबल भी है और या कवरेज देता है यार, बहुत सही कवरेज देता है और ये इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मतलब ये मैं इसको सोच रही हूँ ना कि इसके दो तीन मैं खरीद के रख लूँ, क्योंकि ना बार बार परचेज करना मुझे वो लगता है, तो मैं सोचती हूँ एक ही बार मैं दो तीन खरीद के रख लूँ जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये जो फिटमी वाला कंसीलर है ना उससे भी प्यारा वर्क करता है, मुझे ऐसा फील होता है, आई पर्सनली फील कि उससे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये, तो मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला, इसलिए मैं डेफिनेटली इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ। सो ये भी ख़त्म हो चुका है आप देख सकते हो। और लास्ट प्रोडक्ट की बात करूँगी, ख़त्म तो नहीं हुआ है बट उसने मेरे दिल को तोड़ के रख दिया है। सो ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, दिल तो टूट ही गया है, साथ में ये भी टूट चुका है एंड जब भी मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये धीरे धीरे टूटता जाता है, थोड़े थोड़े इसके पार्टिकल्स गिरते जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरा मन करता है कि मैं इसको वापस से रिपर्चेस कर लूँ। आप लोग बताना कि अगर इसको सेट करने का कोई हैक वगैरह है आप लोग के पास तो इसको, क्योंकि ये पूरा टूट चुका है, अगर मैं इसको खोलूँगी ना तो पूरा नीचे आएगा, तो मैं इसको यूज़ भी नहीं करती, खुल ही गया, देख रहे हो पूरा टूट चुका है, और इसको मैं यूज़ भी नहीं करती और मुझे ऐसा लगता है ये ख़त्म ही हो चुका है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इसको रिपर्चेस करने वाली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है स्किन पे, बहुत प्यारा सा ग्लो देता है, नेचुरल सा ग्लो देता है, बहुत पसंद आता है। सो गाइज ये थे मेरे एमपीटी प्रोडक्ट्स जो डेफ़िनेटली मैं रिपर्चेस करने वाली हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग बताना कि इनमें से आप लोग को कौन सा पसंद आया, और तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या वीडियो देखना पसंद करोगे उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दो यार, विनर अनाउंसमेंट करना है। मैं ना यूट्यूब को लेकर इतना पेशेंस रखा है ना मैंने अपने अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती, जिस दिन मेरा चैनल ग्रो हो गया ना मैं आपको अपने अंदर की इतनी वो वैसी फीलिंग बताने वाली हो ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या फील होता है मेरे चैनल को लेकर। तो फटाफट से यार चैनल को ग्रो करवा दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो ताकि ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।